नमस्कार, मैं हूँ प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 22 जुलाई दिन शनिवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। बिहार में मंडरा रहे सूखे के खतरे को लेकर सीएम नीतीश का निर्देश। पठारी क्षेत्र तालाब निर्माण आधारित मत्स्य पालन की योजना हेतु कड़े आवेदन। सीमा और सचिन पर बिहार पुलिस के एडीजी का बयान। तटबंध में कटाव, रिसाव या पाइपिंग की समस्या दिखने पर इस नंबर पर करें संपर्क। विशेष अभियान में 20,000 बच्चों का हुआ नामांकन। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बीपीएससी शिक्षक बहाली के लिए विलम्ब शुल्क के साथ आज आवेदन करने का आखिरी दिन। बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा 1.70 लाख शिक्षक भर्ती के लिए लिए जाने वाले परीक्षा के लिए विलम्ब शुल्क के साथ आवेदन करने का अंतिम मौका 22 जुलाई यानी कि आज तक है। ऐसे में जिन इच्छुक अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन नहीं किया गया है, वे तय समय सीमा के अंदर बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट www.bpsc.dih.nic.in पर जाकर विलम्ब शुल्क के साथ अपना आवेदन कर सकते हैं। हालांकि अभ्यर्थी विलम्ब शुल्क के साथ 22 जुलाई 2023 तक आवेदन कर सकते हैं, लेकिन इन सबके बीच ये ध्यान रखें कि आवेदन करने के दौरान अभ्यर्थी शुल्क भुगतान करने से पहले तक ही किसी प्रकार का सुधार कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिना विलम्ब शुल्क के साथ आवेदन करने की अंतिम तारीख बीते 19 जुलाई तक निर्धारित की गई थी। मालूम हो कि अब तक 8,50,000 आवेदकों के द्वारा रजिस्ट्रेशन किया गया है। बिहार में मंडरा रहे सूखे के खतरे को लेकर सीएम नीतीश का निर्देश। बिहार में मॉनसून की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी अब तक राज्य में बारिश औसत से 41% कम हुई है, जिस वजह से राज्य के कई हिस्सों में सूखे का खतरा मंडराने लगा है। इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा अल्प वर्षापात से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की और साथ ही अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि किसानों को हर संभव सहायता उपलब्ध करवाई जाए, उन्हें संसाधनों की कमी न होने दी जाए, किसानों को कृषि कार्य हेतु डीजल अनुदान और 12 घंटे बिजली उपलब्ध करवाएं, नहरों के अंतिम छोर तक कृषि कार्य हेतु पानी पहुंचाना सुनिश्चित करें, लोगों को पेयजल उपलब्ध हो इस पर ध्यान दें। बता दें कि बैठक में मुख्यमंत्री को भारत मौसम विज्ञान के प्रतिनिधि ने राज्य में वर्षापात की स्थिति की जानकारी देते हुए बताया कि इस वर्ष जून माह में 85 मिलीमीटर वर्षापात दर्ज किया गया, जो सामान्य वर्षापात 163.3 मिलीमीटर से 48% कम है। 1 जुलाई से 21 जुलाई की अवधि में 162.30 मिलीमीटर वर्षापात दर्ज किया गया, जो इस अवधि के लिए धारित सामान्य वर्षापात 2,424 मिलीमीटर से 47% कम है। 1 जून से 21 जुलाई तक की अवधि में 238.3 मिलीमीटर वर्षापात दर्ज किया गया, जो सामान्य वर्षापात 405.7 मिलीमीटर से 41% कम है। बिहारी बर्थडे में आज हम बात करेंगे अहम शर्मा के बारे में। अहम शर्मा का जन्म आज ही के दिन 1989 में हुआ था। यह एक भारतीय अभिनेता है। भारतीय टेलीविजन में अपने काम के लिए जाने जाने वाले उन्होंने 1962 माई कंट्री लैंड सहित कई बॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया है, जिसका प्रीमियर 59वें कांस फिल्म फेस्टिवल के मार्चे डू फिल्म में हुआ था। अहम की सबसे ज्यादा पहचानी जाने वाली टीवी भूमिकाओं में महाभारत में कर्ण, ब्रह्म राक्षस में ऋषभ श्रीवास्तव और विक्रम बेताल की रहस्य गाथा में विक्रमादित्य शामिल है। 2008 में अहम शर्मा ने हिंदी टेलीविजन में अपना अभिनय करियर शुरू किया। उन्होंने एनडीटीवी के लिए गुल खान की पहली प्रोडक्शन फिल्म चांद के पार चलो में रेहान की मुख्य भूमिका निभाई। 2009 में अहम शर्मा ने अपनी पहली फिल्म सस्पेंस क्राइम थ्रिलर ब्लू ऑरेंज की रिलीज के साथ हिंदी सिनेमा में पदार्पण किया। बता दें कि अहम शर्मा को 2014 में ब्रिटिश साप्ताहिक समाचार पत्र ईस्टर्न आई द्वारा विश्व के 50 सबसे सेक्सी एशियाई पुरुषों के 11वें संस्करण में शर्मा को 26वां दर्जा दिया गया था। विशेष अभियान में 20,000 बच्चों का हुआ नामांकन। 30 जून के बाद आउट ऑफ स्कूल यानी कि अनामांकित रहे बच्चों का नामांकन सुनिश्चित कराने के लिए राज्य में चल रहे प्रवेशोत्सव नाम से विशेष अभियान के तहत इस माह 20,000 से अधिक बच्चों का विद्यालयों में नामांकन कराया गया है। बता दें कि यह विशेष अभियान जुलाई अंत तक चलेगा। मालूम हो कि इस संबंध में बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के निर्देश पर सभी जिलों को दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। वहीं जिलों से मिली रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक 8,213 बच्चों का नामांकन पहली कक्षा में कराया गया है। इसके अलावा 2,826 बच्चों का नामांकन तीसरी, चौथी और पांचवी कक्षा में, 3,235 बच्चों का नामांकन छठी कक्षा में और 5,653 बच्चों का नामांकन नौवीं कक्षा में कराया गया है। मालूम हो कि बच्चों का नामांकन जिस कक्षा में करवाया जा रहा वह उनके उम्र को देखते हुए करवाया जा रहा है। पठारी क्षेत्र तालाब निर्माण आधारित मत्स्य पालन की योजना हेतु कड़े आवेदन।
बिहार सरकार के पशु एवं मत्स्य विभाग के मत्स्य निदेशालय के द्वारा पठारी क्षेत्र तालाब निर्माण आधारित मत्स्य पालन की योजना की शुरुआत की गई है। बता दें कि इस योजना का उद्देश्य राज्य के पठारी बाहुल्य जिलों में तालाब निर्माण एवं संबंध सहायक इकाइयों का स्थापन कर मत्स्य पालन को बढ़ावा देना है। मालूम हो कि इस योजना के तहत लाभुकों को संबंध सहायक इकाइयों के लिए 16.70 लाख एकड़ का 80% अनुदान दे है। यह योजना अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के मत्स्य कृषकों के लिए है। इस योजना में निबंधन हेतु https://missfisheries.bihar.gov.in/registered-fisheries.aspx पर विजिट कर सकते हैं। वहीं अगर आपने निबंधन करा लिया है तो आप https://missfisheries.bihar.gov.in/login.aspx पर विजिट कर सकते हैं। इस योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आप दूरभाष संख्या 1800-345-6185 पर संपर्क कर सकते हैं। जातीय जनगणना मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई बंद। बिहार में जातीय जनगणना पर जल्द सुनवाई करने को लेकर राज्य सरकार की ओर से दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया गया था, जिसके बाद राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था, जिसके बाद इस मामले पर सुनवाई करने से और प्रदेश सरकार को राहत देने से सुप्रीम कोर्ट द्वारा इनकार कर दिया गया। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस मामले पर सुनवाई को ही बंद कर दिया गया है। बता दें कि ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि पटना हाई कोर्ट के द्वारा इस मामले पर सुनवाई करके फैसला को सुरक्षित रख लिया गया था, जिससे कि अब सुप्रीम कोर्ट में दायर SLP का कोई औचित्य नहीं रह गया है। इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस मामले पर सुनवाई को बंद कर दिया गया। 8 केंद्रीय कारा सहित 15 जिलों में लगेगा अत्याधुनिक जैमर। गृह विभाग के द्वारा बिहार के जेलों में आए दिन बंदियों के बीच हो रहे लड़ाई झगड़े को देखते हुए एक बड़ा फैसला लिया गया है, जिसके तहत 6 महीने के अंदर 8 केंद्रीय कारा सहित 15 जेलों में हार्मोनिक कॉल ब्लॉकिंग सिस्टम लगाया जाएगा। बता दें कि इससे बंदियों द्वारा फोन के इस्तेमाल एवं इसके दुरुपयोग रोकने में सहायता मिलेगी। कारा एवं सुधार सेवाएं निरीक्षणालय के द्वारा हाल ही में राज्य की जेलों का निरीक्षण कर सभी जेलों में 9,916 CCTV कैमरे लगाने के निर्देश दिए गए हैं। सभी कैमरों का कमांड सेंटर मुख्यालय में होगा। इसके साथ इन सभी कैमरों को AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़ा जाएगा, ताकि बंदियों की प्रत्येक गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। तटबंध में कटाव, रिसाव या पाइपिंग की समस्या दिखने पर इस नंबर पर करें संपर्क। बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग के द्वारा बिहार के लोगों को जानकारी देते हुए बताया गया है कि अगर उन्हें बिहार के किसी भी तटबंध में कटाव, रिसाव या पाइपिंग की समस्या दिखाई देती है तो वह इसकी शिकायत कर सकते हैं। बता दें कि यह शिकायत जल संसाधन विभाग के द्वारा जारी किए गए टोल फ्री नंबर 1800-345-6145 पर कॉल कर किया जा सकता है। मालूम हो कि यह नंबर सप्ताह के 7 दिन और 24 घंटे कार्य करेगा, यानी कि आप अपनी शिकायत किसी भी समय कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी शिकायत ट्विटर पर भी ट्वीट कर दे सकते हैं। ट्विटर शिकायत करने के लिए आपको #HelloWRD के साथ ट्वीट करना होगा और विभाग को सूचना देनी होगी। बिहार के पर्यटन में आज हम बात करेंगे मलमास मेला के बारे में। मलमास मेला एक लोकप्रिय धार्मिक मेला है जो हिंदू कैलेंडर के मलमास महीने के दौरान लगता है। मलमास एक अतिरिक्त महीना है जो हिंदू कैलेंडर में लगभग हर 32 महीने में आता है, जिसका पालन भारत के कई हिस्सों में किया जाता है। राजगीर में मलमास मेले की उत्पत्ति प्राचीन काल से मानी जाती है। मलमास महीने में जिसे कुछ समारोहों और अनुष्ठानों के लिए अशुभ माना जाता है, लोग राजगीर में प्रार्थना करने, आशीर्वाद लेने और धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए इकट्ठा होते हैं। यह मेला भारत के विभिन्न हिस्सों से बड़ी संख्या में भक्तों और यात्रियों को आकर्षित करता है। माना जाता है कि मलमास मेले में भाग लेने से आध्यात्मिक शुद्धि और देवताओं से आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर मिलता है। राजगीर में मलमास मेला बड़ी संख्या में भक्तों और तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है। लोग देश के विभिन्न हिस्सों से राजगीर के पवित्र स्थलों जैसे प्राचीन गृडकुटा पहाड़ी और भगवान बुद्ध से जुड़े वेणुवन मठ के दर्शन के लिए आते हैं। यह मेला पर्यटकों और इतिहास प्रेमियों को आकर्षित करते हुए क्षेत्र के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित करता है। राज्य में अब गुड़ को मिलेगा बढ़ावा। राज्य सरकार की ओर से बिहार में गुड़ को बढ़ावा देने के लिए अगले 5 साल में 57 करोड़ रुपए से अधिक खर्च कर गुड़ की 405 नई इकाइयां लगाने का लक्ष्य तय किया गया है। बता दें कि इसके लिए बिहार सरकार की ओर से राज्य में गुड़ खांडसारी उद्योग लगाने वाले निवेशकों को अनुदान और तकनीकी मदद भी दी जाएगी। मालूम हो कि बिहार सरकार के द्वारा यह निर्णय गुड़ से होने वाले स्वास्थ्य लाभ को देखते हुए लिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सरकार की योजना के तहत पहले चरण में गैर चीनी मिल वाले जिलों में गुड़ उद्योग को प्रोत्साहित किया जाएगा और प्राथमिकता दी जाएगी, जिनमें मधुबनी, सहरसा, मधेपुरा, बांका, दरभंगा, जमुई, पूर्णिया, बेगूसराय, भागलपुर, वैशाली, नवादा, लखीसराय, मुंगेर, अररिया, खगड़िया शामिल है। सीमा और सचिन पर बिहार पुलिस के ADG का बयान।
इन दिनों सीमा और सचिन की खबर काफी चर्चा में बनी हुई है। ऐसे में अब इस मामले पर बिहार पुलिस के एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार के द्वारा अपनी ओर से सफाई दी गई है। उन्होंने कहा है कि बिहार पुलिस इंडो नेपाल बॉर्डर और सभी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर लगातार चौकस है। उन्होंने बोला कि कुछ दिनों पहले ही हमने एक रिपोर्ट जारी किया था और उसमें बताया था कि देश के अलग अलग नागरिकों को हमने घुसपैठ करने के नामों से अरेस्ट किया है। सीमावर्ती क्षेत्रों में केंद्रीय पुलिस बल तैनात है, उनको भी पुलिसिंग का दायित्व दिया गया है। इसके साथ उन्होंने यह भी कहा कि अगर आपने सीमा और सचिन को लेकर सवाल किया है तो वह एक अन्य राज्य का मामला है। इस मामले में बिहार का कोई लेना देना नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सीमा के द्वारा आईबी के सवालों का जवाब देते हुए कहा गया था कि वह सीतामढ़ी बॉर्डर को क्रॉस कर नेपाल से भारत आई हैं। बिहार में बहुत जल्द ही बनेगी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी और एकेडमी। राज्य में खेल को बढ़ावा मिल सके इसके लिए बहुत जल्द ही बिहार के राजगीर में राज्य का पहला खेल विश्वविद्यालय और खेल अकादमी का निर्माण किया जाएगा। बता दें कि इसके लिए प्रक्रिया की भी शुरुआत कर दी गई है, जिसके तहत खेल विश्वविद्यालय के कुलपति के चयन की फाइल मुख्यमंत्री सचिवालय तक पहुँचा दी गई है और साथ ही अन्य पदों के लिए कला संस्कृति एवं युवा विभाग के द्वारा खेल प्राधिकार और शिक्षा विभाग को पत्र लिखकर इस संबंध में आग्रह किया गया है। वही विश्वविद्यालय के पदेन कुलाधिपति मुख्यमंत्री होंगे। बता दें कि खेल विश्वविद्यालय और खेल अकादमी दोनों राजगीर में बन रहे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के परिसर में स्थापित किया जाएगा। मालूम हो कि खेल विश्वविद्यालय और खेल अकादमी स्थापित करने के बाद बिहार देश का छठा राज्य बन जाएगा जिसने खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया होगा। इस खेल विश्वविद्यालय में खेल से संबंधित डिप्लोमा से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक की पढ़ाई की योजना है। बेसहारा बुजुर्गों को नीतीश सरकार देगा सहारा। बिहार सरकार के द्वारा एक ऐसी योजना बनाई जा रही है जिसके तहत बेसहारा बुजुर्गों को सहारा देने का काम किया जाएगा। दरअसल बिहार सरकार के द्वारा बहुत जल्द ही राज्य के सभी जिला मुख्यालय में आश्रय स्थलों की शुरुआत की जाने वाली है। बता दें कि आश्रय स्थल में मुख्यमंत्री वृद्धजन आश्रय स्थल योजना के तहत 50-50 बेड की व्यवस्था की जाएगी। वहीं इसके संचालन की जिम्मेदारी संबंधित नगर निकायों के नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी को सौंपी गई है। बता दें कि नगर विकास एवं आवास विभाग की ओर से इसके निर्माण को लेकर अब तक 19,67,00,000 रुपए जारी कर दिए गए हैं। वहीं अब जल्द ही स्थान का चयन कर इसके निर्माण की शुरुआत कर दी जाएगी। इन आश्रय स्थल के संचालन के लिए वार्षिक बजट 1,06,00,000 रुपए रखे गए हैं। वहीं आगे चलकर अनुमंडल स्तर पर भी इस तरह के आश्रय स्थल खोले जाएंगे। ट्रेन चलने के इतने मिनट में नहीं पहुंचे तो हाथ से चली जाएगी सीट। ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक जरूरी सूचना है। बता दें कि रेलवे के नए नियम के अनुसार अब अगर आप ट्रेन चलने के 10 मिनट में अपनी सीट पर नहीं पहुंचते हैं तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल TTE आपकी सीट को ऑक्यूपाइड मार्क करने के लिए केवल 10 मिनट का इंतजार करेगा और अगर इस दौरान आप अपनी सीट पर मौजूद नहीं होते हैं तो आपका सीट आपके हाथ से निकल जाएगी। बता दें कि रेलवे की ओर से ऐसा नियम इसलिए लागू किया गया है क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो 2-3 स्टेशन छोड़कर अपनी सीट पर पहुंचते हैं। ऐसे में TTE को पता नहीं चल पाता कि कौन सी सीट खाली है, यानी कि अब यात्रियों को उन्हीं स्टेशन पर ट्रेन पर चढ़ना होगा जहां से उन्होंने टिकट लिया होगा और साथ ही अपनी उपस्थिति भी दर्ज करानी होगी। राज्य में 1 से 2 दिनों में बारिश होने के आसार। बिहार में बदलते हालात के बीच में मॉनसून कमजोर होता जा रहा है। इन दिनों अब तेज धूप और उमस से काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इधर मौसम विभाग ने पूरे प्रदेश में बारिश से इनकार किया है, यानी कि प्रदेश के कुछ कुछ हिस्सों में बारिश होने की संभावना भी जताई गई है। हालांकि मौसम विभाग ने 23 जुलाई से प्रदेश में बारिश की संभावना जताई है, लेकिन यह संभावना कब हकीकत में बदलती है इसे देखना होगा। मौसम विभाग की माने तो अगले 4 दिनों में प्रदेश के बारिश में तेजी देखने को मिल सकती है। इस दौरान प्रदेश के उत्तर के जिलों में बारिश होने की संभावना जताई गई है, साथ ही इन जिलों में येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। इन इलाकों में मेघ गर्जन और वज्रपात की संभावना भी जताई गई है, साथ ही प्रदेश में 1 से 2 स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। हालांकि कई इलाकों में मौसम शुष्क रहने की भी संभावना है। मुजफ्फरपुर की मनरेगा मजदूर उर्मिला होंगी स्वतंत्रता दिवस समारोह में अतिथि। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर नई दिल्ली में आयोजित होने वाले समारोह में बिहार के मुजफ्फरपुर की मनरेगा मजदूर उर्मिला देवी विशेष अतिथि के रूप में शामिल होने वाली हैं। बता दें कि इनका चयन विशेष अतिथि में इनके उत्कृष्ट कार्य को देखते हुए किया गया है जो इन्होंने अमृत सरोवर बनाने में किया है। मालूम हो कि समारोह में वो अपने पति बालेंद्र पासवान के साथ शामिल होंगी। उनका नाम इस समारोह में शामिल होने के लिए जिला स्तर से ग्रामीण विकास विभाग पटना को भेज दिया गया है। प्रखंड कार्यक्रम अधिकारी उमेश चंद्र प्रसाद के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार उर्मिला देवी और उनके पति दोनों 14 अगस्त को समारोह में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच जाएंगे।
प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले और कामगारों को श्रम संसाधन विभाग देगा। ये राज्य के वैसे विद्यार्थी जिनके परिवार की वार्षिक आय 1,80,000 से अधिक नहीं है और वे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे विद्यार्थियों को बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग की ओर से स्टडी किट उपलब्ध करवाया जाएगा। हालांकि ये सुविधा पाने के लिए विद्यार्थियों को श्रम संसाधन विभाग नियोजनालय में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। वही विभाग की ओर से स्वरोजगार करने वाले इलेक्ट्रीशियन, फीटर, मोबाइल रिपेयर, ब्यूटिशियन एवं प्लम्बर को टूल किट भी उपलब्ध कराए जाएंगे, जिसके लिए तैयारी चल रही है। हालांकि ये सुविधा उन कामगारों को ही दी जाएगी जिनका उम्र 18 से 35 वर्ष के बीच होगी और इसके साथ ही वे बिहार के निवासी भी होने चाहिए। इसके अलावा इन कामगारों का केंद्र या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रशिक्षित होना भी अनिवार्य है। इस योजना का लाभ लेने के लिए कामगारों को विभाग के अवर प्रादेशिक नियोजनालय सह मॉडल करियर सेंटर नियोजन भवन में आवेदन कराना होगा। अब ट्रेन के मेन्यू में डिलीशियस स्वीट हो रहा शामिल। अब आप ट्रेन में खाने के बाद मीठे का भी मजा ले सकते हैं। दरअसल रेलवे के मेन्यू में अब मीठा को भी जोड़ा जा रहा है, जिसमें नॉर्थ इंडिया की डिलीशियस स्वीट जलेबी समेत गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी आदि मिठाइयां शामिल है। बता दें कि इस काम को करने के लिए इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन के द्वारा प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसके तहत अब यात्रियों के थाली में पारंपरिक मिठाइयों को भी शामिल किया जाएगा। मालूम हो कि इस संबंध में ईस्टर्न रेलवे मुख्यालय जोन के जनरल मैनेजर अमर प्रकाश द्विवेदी के द्वारा निर्देश जारी कर दिया गया है। बता दें कि IRCTC के द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए ऑनलाइन फीडबैक की भी व्यवस्था की गई है, यानी कि यात्री अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से पारंपरिक मिठाइयों को लेकर अपना फीडबैक दे सकेंगे, ताकि उनकी डिमांड को देखते हुए थालियों में इस तरह के व्यंजनों को जोड़ा जा सके। बिहार में 6 माह में 6.5 लाख वाहन बिके। केंद्र सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2023 में अब तक यानी कि पिछले 6 महीने में कुल 6,50,685 वाहन की बिक्री हुई है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 18,933 वाहन अधिक है। यानी कि पिछले वर्ष 12 महीने में केवल 5,68,752 वाहन बिके थे। ऐसे में यह माना जा रहा है कि साल के अंत में यानी कि इस वर्ष के भी पूरे 12 महीने में पिछले वर्ष की अपेक्षा 2 लाख वाहन अधिक बिक सकते हैं। वहीं अगर हम पूरे देश की बात करें तो पिछले 6 माह में पूरे देश में कुल 1,12,32,000 वाहन बिके हैं, जो कि पिछले साल की तुलना में 8.90 लाख अधिक है। इस तरह अगर देखा जाए तो पूरे देश का 10% अतिरिक्त वाहन बिहार में ही बिका है। मालूम हो कि बिहार में लोगों को सबसे ज्यादा जो वाहन पसंद आ रहे हैं उनमें पहले नंबर पर बाइक, दूसरे नंबर पर कार, ई रिक्शा और फिर तीसरे नंबर पर 3-व्हीलर वाहन है और फिर ट्रैक्टर और मोपेड का स्थान है। यशस्वी जायसवाल ने अपनी सफलता और विराट कोहली को लेकर कही ये बात। वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज में डेब्यू करने वाले यशस्वी जायसवाल के द्वारा पहले टेस्ट में 171 रन बनाया गया, तो वहीं दूसरे टेस्ट में 74 गेंद पर 57 रन मारा गया। वहीं इसके बाद उन्होंने अपनी सफलता और विराट कोहली समेत अन्य खिलाड़ियों को लेकर कहा कि रोहित भैया के साथ बल्लेबाजी करना अच्छा लगता है, हम लगातार हालात के बारे में बात करते रहते हैं और आगे कैसे खेलना है, हम क्या कर सकते हैं वगैरह। उनके साथ बल्लेबाजी करना शानदार है। उनकी सफलता का राज यह है कि वह हर किसी के अनुभव से सीखते हैं, लेकिन करते वही हैं जो उन्हें रास आता है। अनुभवी खिलाड़ी जब बोलते हैं तो सीखने को बहुत कुछ होता है। मैं उसे सुनता हूं और अपने खेल के अनुरूप उसे अपनाने की कोशिश करता हूं। उनके अनुभव से छोटी छोटी बातें सीखना अच्छा लगता है। इसके साथ ही उन्होंने विराट कोहली को लेकर कहा कि विराट कोहली को बल्लेबाजी करते देखना ही कमाल का अनुभव है, मुझे क्या कहना चाहिए, वह एक लेजेंड है। मैं उनके साथ खेलने के लिए खुद को भाग्यशाली समझता हूं। उनसे सीखने के लिए काफी कुछ है, फिर चाहे वह क्रिकेट हो या उससे बाहर, मैं उनके दिमाग को समझने की कोशिश करता हूं। भारत के इतिहास में आज की तारीख है कई कारणों से दर्ज। भारत के पहले पायलट इंद्रलाल राय 1918 में लंदन के आसपास जर्मनी के विमानों के साथ संघर्ष में मारे गए थे। भारत का राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को भारत के संविधान द्वारा अपनाया गया था। भारत के पहले भूस्थिर उपग्रह एप्पल ने 1981 में कार्य करना प्रारंभ किया। विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल माइकोलॉजी के फफूंदी अनुसंधान दल ने 2011 में 100 से 115 डिग्री सेल्सियस तापमान सह सकने वाले तापरोधी फफूंदी के बीजाणुओं की खोज की। पहली लोकसभा के सदस्य सरदार तेजा सिंह अकरपुरी का जन्म 22 जुलाई 1894 को हुआ था। प्रसिद्ध पार्श्व गायक मुकेश का जन्म 1923 को हुआ था। भारतीय जनता पार्टी से संबंधित अनंत कुमार का जन्म 1959 में हुआ था। महाराष्ट्र के 18वें मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का जन्म 1970 को हुआ था। रेमन मैक्सेस पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता संदीप पांडे का जन्म 1965 को हुआ था। प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीत गायक विनायक राव पटवर्धन का जन्म 22 जुलाई 1898 को हुआ था। भारत की प्रसिद्ध महिला चिकित्सक, सामाजिक कार्यकर्ता और पद्म भूषण प्राप्तकर्ता मुत्तु लक्ष्मी रेड्डी का निधन 1968 में हुआ। आज के दिन को राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस के रूप में भी मनाया जाता है।
वेलकम। आज हम बात करेंगे आपातकालीन चेतावनी के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे आपातकालीन चेतावनी के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि क्या आपके भी फोन पर डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन इंडिया की ओर से एक आपातकालीन चेतावनी प्राप्त हुई है। पीआईबी ने ट्वीट में आगे लिखा है कि ऐसे में घबराने की कोई बात नहीं है, यह अलर्ट नियोजित परीक्षण प्रक्रिया का हिस्सा है और वास्तविक आपात स्थिति का संकेत नहीं देते हैं। व्हाट्सएप पर अब 15 लोगों के साथ कर सकेंगे ग्रुप कॉल। लोकप्रिय मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप ने एंड्रॉइड यूजर्स के लिए एक नया कॉलिंग फीचर रोल आउट करना शुरू कर दिया है। एक ऑनलाइन रिपोर्ट के अनुसार मेटा के स्वामित्व वाला प्लेटफॉर्म एक नया फीचर जारी कर रहा है, जिसकी मदद से यूजर्स 15 लोगों के साथ ग्रुप कॉल कर सकेंगे। बता दें कि व्हाट्सएप ने अप्रैल 2022 में अधिकतम 32 लोगों के साथ ग्रुप कॉल की शुरुआत की, लेकिन अब नई एंड्रॉइड बीटा अपडेट के साथ व्हाट्सएप यूजर्स अब अधिकतम 15 लोगों के साथ ग्रुप कॉल शुरू कर सकते हैं। वर्जन नंबर 2.23.15.14 वाले बीटा टेस्टर अब अधिकतम 15 लोगों के साथ एक नया ग्रुप कॉल बना सकते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि शुरुआती कॉल के लिए आप जिन लोगों को चुन सकते हैं उनकी संख्या बदल गई है और अब 15 हो गई है। ग्रुप कॉल में अभी भी कुल 32 लोग होस्ट कर सकते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि सुधारों से समय की बचत होती है, क्योंकि ग्रुप कॉल निर्माता कॉल शुरू करने के लिए तुरंत बड़ी संख्या में कॉन्टैक्ट चुन सकता है, जिससे उनके लिए तुरंत अधिक लोगों से जुड़ना अधिक सुविधाजनक हो जाता है। सप्ताह का आखिरी कारोबारी दिन रहा निराशा भरा। सप्ताह का आखिरी कारोबारी दिन यानी कि बीते दिन बाजार में बिकवाली का दौर रहा। पूरे दिन सारे सूचकांक लाल निशान पर दिखे। बता दें कि अंत में बीएसई सेंसेक्स 887.64 अंक यानी 1.31% की गिरावट के साथ 66684.26 अंक के स्तर पर क्लोज हुआ। वहीं एनएसई निफ्टी 234.15 अंक यानी 1.17% की टूट के साथ 19745 पर बंद हुआ। निफ्टी पर इंफोसिस के शेयर में सबसे ज्यादा 7.73% की टूट देखने को मिली। इसके अलावा जिन शेयरों में टूट देखी गई है उनमें हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, एटीसीएस, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टेक महिंद्रा, जेएसडब्ल्यू स्टील, महिंद्रा एंड महिंद्रा, इंडसइंड बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, आईटीसी, टाइटन, टाटा स्टील और बजाज फाइनेंस के नाम शामिल है। वहीं जिन शेयरों में तेजी देखी गई है उनमें लार्सन एंड ट्रूबो, एनटीपीसी, एसबीआई, कोटक महिंद्रा बैंक, टाटा मोटर्स, आईसीआईसीआई बैंक और सनफार्मा के नाम शामिल हैं। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उससे जुड़े जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया, कृपया करके यह हमें कमेंट करके जरूर दें। हमारा पहला सवाल है, हाल में ही सबसे मूल्यवान आईपीएल की कौन सी फ्रेंचाइजी बनी है? ऑप्शन ए चेन्नई सुपर किंग्स, ऑप्शन बी राजस्थान रॉयल्स, ऑप्शन सी लखनऊ सुपर जायंट्स, ऑप्शन डी मुंबई इंडियंस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए चेन्नई सुपर किंग्स। अगला सवाल, एचएएल के क्षेत्रीय कार्यालय का रक्षा मंत्री ने कहां उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए मलेशिया, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी थाईलैंड, ऑप्शन डी इंडोनेशिया। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए मलेशिया। अगला सवाल, वैदिक थीम वाला भारत का पहला पार्क कहाँ है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी नोएडा, ऑप्शन सी चंडीगढ़, ऑप्शन डी पटना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी नोएडा। अगला सवाल, बिहार के किस जिले को मक्का का घर कहा जाता है? ऑप्शन ए पूर्णिया, किशनगंज, ऑप्शन बी पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, ऑप्शन सी मुजफ्फरपुर, ऑप्शन डी गोपालगंज। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पूर्णिया, किशनगंज। अगला सवाल, बिहार की सबसे लंबी नदी कौन है? ऑप्शन ए घाघरा, ऑप्शन बी कोसी, ऑप्शन सी महानंदा, ऑप्शन डी बूढ़ी गंडक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए घाघरा। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है राजकिशोर महतो, राम नवी मांझी, रामचंद्र सिंह, नन्नू गोलू कुमार, सरदानंद झा, रवि कुमार राम, सदुल्लाह पलवी, अनवर करीम खान, मृत्युंजय कुमार, विकास दास, शिवजी कुमार, उमेश ऋषिदेव, मोटू रंगीला, पंकज कुमार दास, मोहम्मद सकीर हुसैन। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है,
आपके ग्रामीण क्षेत्र में धान की रुपाई हुई है या नहीं। अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देखें तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।